आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। अब कोयला निजीकरण को लेकर के हमने आग्रह किया है। अब इसका कोई आधिकारिक जानकारी हमारे पास नहीं है और हम अपनी प्रक्रिया में हैं और हमारी प्रयास है कि जो निर्णय हो राजहित में हो निर्णय लिए। समर्थन रहेगा आपकी पार्टी का समर्थन कल के हड़ताल, जो कल हड़ताल 3 दिनों का जो हड़ताल, और संभवतः जानकारी आ रही है कि प्रहलाद जोशी आपसे बात करना चाहते हैं। जैसे कि जानकारी है, खबर आ रही है कि कोयला मजदूर, खनन मजदूर ये व्यवसायीकरण करने के विरोध में हड़ताल पे जा रहे हैं। उनको भी लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार है और उनकी बातों को भी सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए, मेरा ये मानना है। क्योंकि बड़े पैमाने पर कम से कम झारखंड प्रदेश की जो वर्तमान स्थिति है उसमें बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र में लोग जुड़े हुए हैं और इनकी आवाज़ भी सरकार के कानों तक जानी चाहिए। दादा एक सवाल है, सोशल मीडिया पे आप ट्रेंड कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा रीच आपका हो गया है, वो सब चीज़ें आप लोग देखिए, वो अपना काम करते हैं और देश दुनिया देखता है। वो आकलन करने वाले दूसरे वर्ग हैं, वो जो सही समझ उनको लगता है वो अपना करता है। इसलिए सवाल है कि सरकार के 6 महीना पूरा हो गया है, सारा कुछ है आज की तारीख में और वो एक मापदंड हो गया है कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं पिछले 6 महीने में। देखिए हमारे पास जितने संसाधन हैं हम उन सभी संसाधनों का सदुपयोग करने का प्रयास करते हैं और क्योंकि हमारे पास भी एक लिमिटेशन है, 2 आँखें हैं, 2 हाथ है, 1 मुंह है, 1 नाक है। अगर इसके अलावा और कोई हमारा हाथ बनना चाहता है, आँख बनना चाहता है, मुंह बनना चाहता है तो वो भी हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है और इसके लिए आज की जो व्यवस्था है, जो टेक्नोलॉजी का एक प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से जैसे कि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ और ये बातें पता नहीं कितनी दूर तक साथ साथ में जा रही है। मुझे लगता है कि ये तकनीक का ही कमाल है, अगर उससे समाधान, समस्या का समाधान निकलता है तो निश्चित रूप से उसका उपयोग होना चाहिए और मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे सभी ऐसे तंत्र हैं, ऐसे तकनीक हैं जो 24 घंटा काम करता है, काम करे और लोगों को उसका लाभ मिले। प्रधानमंत्री का जो देश के संबोधन में जो बातें आई है उसमें जो अनाज वितरण की बात आई है, घोषणा तो हो जाती है लेकिन कभी कभी व्यवहारिक रूप से सही व्यक्ति को अनाज कभी कभी नहीं मिल पाता है, इनको सिंक्रोनाइज करने की भी आवश्यकता है। आज किसी को 1 लाभ नहीं, 2-2, 3-3 लाभ मिल रहा है तो किसी को 1 भी नहीं मिल रहा है। आज हम लोगों ने इस राज्य में जिनके कार्ड नहीं है उनको भी अनाज देने का काम किया और दे भी रहे हैं, ज़रूरतमंदों को भी दे रहे हैं, पका हुआ खाना भी खिला रहे हैं, चाहे उनके पास कार्ड हो ना हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, कोई भी हो। आज
जिस तरीके से संक्रमण को लेकर के लोग बेरोजगार हुए हैं, जिस तरीके से आज आप देख रहे हैं कई डिप्रेशन के केसेस आ रहे हैं, रोजगार खोने के डर से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कई ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। आज सिर्फ अनाज दे देना ही समाधान नहीं है, इसके अलावा और भी विकल्प पर सरकार को सोचना पड़ेगा, सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने अनाज देने की घोषणा की है, हमारे राज्य के लिए ये एक राहत का घोषणा जरूर है, और अब हमें ये देखना है कि ये राज्य में कितने लोगों को लाभान्वित करता है और किस तरीके से करता है, ये लागू करने के उपरांत ही बताया जा सकता है कि ये घोषणा राज्यों के लिए कितना लाभ। सर इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कल कई पूजाओं का और त्योहारों का जिक्र किया, जिसमें छठ पूजा का उन्होंने खास तौर से जिक्र किया। सामने बिहार का चुनाव है, आप जो बोल रहे हैं गरीब तबका के लिए, मिडिल क्लास जो सुसाइड केस आ रहे हैं उसमें ज़्यादातर मिडिल क्लास के लोग हैं जो नौकरी पेशा, जिनकी नौकरी छूट गई, आपको लगता है कि ये पूरा चुनाव से जुड़ा हुआ कल का जो पूरा संबोधन था? देखिए प्रधानमंत्री जी ने बातें तो बहुत कही, लेकिन मुझे बहुत एक बात का खेद है कि कल इस राज्य में एक ऐसा दिन होता है जिसको हम लोग हूल दिवस के नाम से जानते हैं, सिद्धू कानू जी का शहादत दिवस, और ये देश का पहला क्रांति था। आज मुझे लगता है कल के संबोधन में इस संदर्भ में भी उनका कोई बात नहीं आया, बाकी सभी बातें आ गई, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बातें कितने लोगों को लाभान्वित करने वाली है और कितने राजनीतिक रूप से